हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने जून के गार्डन का ओवरव्यू दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपने टेरेस व गार्डन में मैं एंट्री मारती हूँ। सबसे पहले ये राइट हैंड साइड में मेरी तुलसी, ये 3-4 साल पुरानी है। और इस साइड जो है ग्रीन नेट नहीं है, तो वो प्लांट्स रखे हैं जिनमें ज़्यादा धूप आती है। ये परसुलेन और ये मेरा पोटूला का। इस समय जो है दिन के 2 बज गए हैं, इसलिए इनके फूल जो हैं वो बंद हो गए हैं। मेरे एक व्यूअर ने मुझसे कहा था इनका अपडेट दिखाने के लिए, तो चलिए वो भी साथ में मैं करती जाऊंगी जिन्होंने फरमाइश करी थी। ये जो है रेड कलर का है, ये बहुत प्यारा कलर इसका लगता है। और इसका जो है एक ये वाइट कलर है, ये वाला नीचे वाला। एक अभी मैंने 2 दिन पहले पिंक कलर की भी कटिंग इसकी मैं ग्रो कर रही हूँ। ये बेबी सन रोज़ है, ये एक्चुअली में है रेड कलर का, लेकिन इतनी तेज़ धूप पड़ती है कि इनका कलर जो है वो पिंक हो गया है इस समय। इस जगह पर वही प्लांट्स हम रख रहे हैं जिनको कि अधिक धूप की ज़रूरत है। एडीनियम है, इस साइड भी एडीनियम है, और इस साइड ये इंडियन बोरेज है, ये जिसकी अजवाइन वाली खुशबू है। एक चीज़ आप देखो दिखाती हूँ, ये मेरा नया कलेक्शन, ये मैंने 2 प्लांट्स अपने ख़रीदे हैं एडीनियम के 1 महीने पहले। बहुत स्वीट से फ्लावर्स हैं इसके, इनको मैंने छुपा के रखा है कहीं ख़राब ना हो जाए बहुत तेज़ रोशनी में, क्योंकि गमला जो है वो छोटा सा है। इस साइड पे जो है वो आगे की तरफ मैंने वही प्लांट्स रख रखे हैं जिनको ज़्यादा धूप चाहिए। ये मैक्सिकन पिटूनिया है, लेंटाना, इन सबको धूप ज़्यादा चाहिए। और इस साइड जो पॉट पर दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसको जो है मैंने अभी बनाया है। इसका वीडियो मैं दूसरा जो चैनल है मेरा क्रिएटिव लाइफ स्टाइल उसमें डाला है, और कम्युनिटी टैब में मैंने शेयर भी करा है उसको। इस साइड जो है मेरे हिबिस्कस लगे हैं, ये वाला। इस समय जो है मेरे हिबिस्कस में फ्लावरिंग रुक गई है, ये पहले का, कुछ दिन पहले का, ये 15 दिन पहले की रिकॉर्डिंग आपको हम दिखा रहे हैं इस साइड में। चलिए, बहुत तेज़ गर्मी है, प्लांट का जो है बचना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये देखिए पुलमेरिया, इसको भी मैंने पिछले साल कटिंग से ग्रो किया था। मिराबिलिस रात के समय खिलता है या अर्ली मॉर्निंग खिलता है। यहाँ पर अब आपको हम दिखाते हैं क्या है, ये छोटा सा स्वीट सा गॉम्फ्रेना। ये मेरा बादाम का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने निकाल करके लाया था, अपने इस गमले में लगा दिया है। अब ये गमला छोटा पड़ गया है तो मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी अपनी बरसात में। और ये ग्लैडोलस जो है, इसकी जो कुछ बल्ब्स ख़राब हो गई थी, मैंने ऐसे ही इसको बगल में ही पड़े रहन दिया। देखिए इनमें भी सब में ग्रोथ चालू हो गई है। ये एलामेंडा जो बेल वाला आता है वो वाला। एस्परेगस कितना स्वीट लगता है, कुल ग्रीनरी फ्रेश लुक देता है। इसमें बस ख़राबी ये है कि इसमें कांटे रहते हैं महीन महीन से। इस साइड में मैंने वो प्लांट्स लगाए हैं जिनको ज़्यादा धूप चाहिए होती है। ये जो मेरे ग्रीन नेट है उसका बाहरी का बाहरी पोर्शन पड़ता है। ये वेस्ट मटेरियल से मैंने बची हुई मॉस ग्रास से कोकोडामा बनाया था अभी कुछ महीने पहले। इसको लटकाया था लेकिन आंधी आई तो टूट के गिर पड़ा, तब से मैंने ऐसे ही इसको अपने नारंगी वाले गमले में रख दिया, ऐसे ही रखा है। इस साइड भी कुछ फूलों वाले प्लांट्स हैं, ये हरसिंगाल, ये एरेंथेमम, ये है नींबू। नींबू देखिए कितने सारा है इसमें, और इसे जो है 2-3 नींबू इस बार मैंने तोड़ लिए हैं। वो हल्के से येलो से पड़ गए थे, तोड़ लिया तो रखे रखे ही वो पूरी तरीके से येलो हो गए, काफ़ी जूसी हैं, रस रस काफ़ी है उनमें। ये जो है इसने आज फर्स्ट टाइम मेरे इसमें फल निकला है नींबू का। और ये जो है टिकोमा है, ऑरेंज कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस साइड में दिखाती हूँ, ये वाला येलो कलर है, इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है, अभी रेनी सीज़न आने दीजिए, बहुत फ्लावरिंग होगी इसमें। ये जो है रसभरी लगी है, ये ख़राब हो गई है। मेरे एक व्यूअर ने मुझसे कहा था कि इसका भी अपडेट देते रहिएगा, लेकिन सॉरी मैम, देख लीजिए क्या हालत हो गई है इसमें। एक्चुअली ना एम्फिड्स ने अटैक कर दिया था, और दोबारा फिर ओवर वाटरिंग भी हो गई जिसके कारण प्लांट जो था पूरा सूख गया है। तो अब मैं अपडेट नहीं दे पाऊँगी इसका। और इधर जो है एक फिलोडेंड्रॉन लगा है बगल वाला,
ये जो है किसी ने निकाल करके सड़क में फेंक दिया था अभी अप्रैल में, फिर मैं ला करके इसकी कटिंग ग्रो कर ली मैंने इसको। फोलियस देखिए कितनी बुरी हालत हो रही है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे है कि एनी हाउ मेरा प्लांट तो बचा ही हुआ है। फोलियस के लिए ये सीज़न बहुत ही ख़तरनाक है, कलर्स बहुत फेड हो जाते हैं, प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये देखिए पानी भी भर के हम रख देते हैं कि थोड़ा पानी इससे उड़ता रहेगा, एवोपरेट होगा तो थोड़ा सा ठंडा बना रहेगा ये वाला माहौल यहाँ का। देखिए सूख भी रहे हैं लेकिन मैं हटा नहीं रही हूँ इनको, डर के मारे कि मैं कोई ओपनिंग नहीं करना चाहती अपने हाथ से। अपने हाथ से सूख जाए वो ठीक है, एक्चुअली में मेरा एक प्लांट मेरी कटिंग से सूख गया, तब से मुझे बहुत डर लगता है कि कोई मेरा प्लांट सूख ना जाए। यहाँ पर ये स्नेक प्लांट को भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था ये वाला, इन जो कटिंग से ग्रो किए थे मैंने उनको छुपा छुपा के पीछे रख रखे हैं कि वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि पहला नया नया सीज़न है। ये कनेर है, इसको मैंने बहुत साल पहले सीड से ग्रो किया था। कनेर को एक्चुअली में बहुत तेज़ सनलाइट चाहिए और यहाँ पर ग्रीन नेट लग जाने से इसको कम सनलाइट मिल रही है, तो इसमें फ्लावरिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है। सेम पोजीशन प्लमेरिया के साथ भी है, ये रेड कलर का है, इसका गमला मेरा पूरा टूट गया है, तो इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो कर लिया है, मुझे था कि पता नहीं प्लांट बचेगा कि नहीं बचेगा। क्लेमेंटिस वेरीगेटेड वाली है ये भी, ये देखिए ये डबल चांदनी जो है वो, इसकी कलियां देखिए कैसे सूख रही हैं धूप के कारण। ये कुछ दिन पहले तक ये सब खिल रहे थे फूल इसमें, लेकिन इधर जो था हम देख रहे हैं सूखने सी लग गई हैं, कलियां ही जल जाती हैं। चलिए 15 दिन से बहुत तेज़ गर्म पड़ रहा है। ये लहसुनिया बेल, बेला, बेला में हम देखते हैं कि काफ़ी सारी फ्लावरिंग एक साथ आ जाती है, कुछ दिन चलती है फिर ख़त्म होती है, तो आप बेला की जो है बराबर से पिंचिंग करते रहा करो, क्योंकि पिंचिंग करोगी नई ब्रांच आएगी, नए ब्रांच में आपकी कलियां आएंगी। तो देखिए इस समय फिर कितनी सारी कलियां आ गई हैं हमारे इसमें, बहुत अच्छा। इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह 10-15 दिन में देते रहिए। ये एमरेंथस लगा है, ये भी बिल्कुल रेड कलर का था, इस समय धूप के चक्कर में ये भी ग्रीन हो रहा है। ये श्रिम्प प्लांट है, श्रिम्प प्लांट में कई कलर्स आते हैं, ये है मेरा ये मरून वाला, लेकिन ये भी ग्रीन ही हो गया। इधर मैं दिखाती हूँ ये प्लमेरिया की कटिंग, देखिए वो इधर जो है मैंने अपनी कंपोस्टिंग कर रखी है। ये देखिए इस बार मैंने इसमें केचुए काफ़ी सारे बना लिए हैं, लेकिन अभी भी केचुए जिंदा हैं, सब अंदर घुसे हुए हैं, इसीलिए मैं इनको उड़ा बिढ़ा के रखती हूँ कि मरे नहीं धूप के चक्कर में। इस एरिया में मैं अपने टूटे हुए जो अपने गमले होते हैं वो सब डाल देती हूँ, और साथ में जो कटिंग्स वगैरह ग्रो करती हूँ वो भी, ये भी सॉन्ग ऑफ इंडिया को मैंने किसी के यहाँ से लेकर लाया था, कटिंग वगैरह ग्रो करी थी। इस साइड लोटस में एक भी अभी तक कली नहीं आई है हमारे, ऐसे ही लगा हुआ है। ये देखिए इधर भी कोलियस लगा है, एक्चुअली में जब गर्मी पड़ना शुरू हुई थी तो मैंने कोलियस को काफ़ी सारी कटिंग जगह जगह पर ग्रो कर दी थी, और सबसे ख़ास बात ये है कि जो ऊपर मेरे टेरेस में कोलियस लगे हैं वो सब चल रहे हैं, और जो नीचे मैंने अपने विंडो गार्डन में लगा रखे हैं वो सब मर गए मेरे कोलियस। ये देखिए इस तरीके की ये एक लेन हमने आपको दिखाई है, फिर दूसरी लेन किसी और दिन दिखाएंगे। एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, ये देखिए इन सब में मैंने अपनी कंपोस्ट जो मेरी रेडी हो जाती है मैं ऐसे भर कर रख देती हूँ। इधर इसके दो फायदे हैं, एक तो जगह भी बच रही है, दूसरा ये जो ऊपर ग्रो बैग है इनको हमेशा किसी चीज़ के ऊपर रखने चाहिए, क्योंकि इसकी जो प्लांट ऊपर जो प्लांट लगा है उसकी जड़ें जो हैं अगर डायरेक्ट ज़मीन में हम रखेंगे तो गर्माहट से वो ख़राब हो जाएंगे। ये वाटर हाइसेंस हैं, पर्पल कलर का बहुत सुंदर फ्लावर निकलता है इसमें। देखिए मैंने जगह जगह पानी भर भर के यहाँ पर रख रखे हैं, इससे कि थोड़ा सा एवोपरेशन से मेरे प्लांट्स बने रहें। जाते जाते एक चीज़ आपको और हम दिखाते हैं, यहाँ पर मैंने येलो शिमला मिर्च जो होती पीली वाली उसको ग्रो किया था। ये मैंने करा था अप्रैल नहीं मार्च में किया था, और फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है लेकिन सब एक साथ लगे हुए हैं, डर के मारे मैंने इनको अलग ही नहीं करा कहीं प्लांट ना मर जाए मेरे। तो फ्रेंड्स ये इस तरह एक चीज़ और दिखा दें, ये देखिए कोलियस इस जगह पर जो है बीच में लगा है, काफ़ी धूप आती है, ये नीचे वाले प्लांट्स जो हैं पुराने हैं,
तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।